फॉरेस्ट सर्विस में भी आईएफएस तक का स्कोप है हमारे एग्रीकल्चर के थ्रू। अब बात करेंगे हम प्राइवेट सेक्टर की, तो प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो एग्री बिजनेस को हम तीन सेक्टर में बांटते हैं। पहला जो है एग्री बिजनेस इनपुट, इनपुट का मतलब ये है कि जो हम फार्म में इन्वेस्ट कर रहे हैं उसकी वजह से हमें जो आउटपुट आएगा, उस सेक्टर की सारी कंपनियां और सारे एमएनसी मल्टीनेशनल कंपनियां यहाँ पे आपकी प्रतीक्षा कर रही है, आपके कैरियर ओपन है आपका। कई कंपनियों को आज भी ओनहार और स्किल वाले या कहे कि अपडेट कर्मचारी एम्प्लॉय नहीं मिलते हैं, आज भी हर कंपनी में कहीं ना कहीं पोस्ट खाली है। बहुत बड़ा विस्तृत जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है, एग्री बिजनेस सेक्टर है, बहुत बड़ा है और इसमें अपार संभावना हमारे स्टूडेंट के लिए बनी हुई है। तो एग्री इनपुट में जो हम बात करें तो सीड से जुड़ी हुई कंपनियां, सीड मैन्युफैक्चर कंपनियां, सीड यहाँ पे भी, सीड में भी बात करें तो जो पब्लिक सेक्टर की होती है, प्राइवेट सेक्टर की होती है, कुछ गवर्नमेंट के भी रहते हैं कि वो सीड बना के फार्मर को अवेलेबल करवाती है। फर्टिलाइजर सेक्टर की कई कंपनियां हैं जो फर्टिलाइजर बनाती है, फर्टिलाइजर में भी अलग अलग ग्रेड है, बल्क फर्टिलाइजर हो गया, वाटर सोल्युबल फर्टिलाइजर हो गया, माइक्रो न्यूट्रिएंट बेस्ड प्रोडक्ट बनाती है और कई कंपनियां हमारे भारत में कार्यरत है। अब बात आगे करेंगे कि एग्रीकल्चर में जो मशीनरी होती है, इम्प्लीमेंट होते हैं, टूल्स होते हैं, उनको बनाने वाली मैन्युफैक्चर कई प्रकार की कंपनियां हैं जहां पे हमारे लिए स्कोप है। आगे बात करेंगे फ्यूल है, ऑयल और लुब्रिकेंट सेक्टर होता है। आगे जो है आपका वेटनरी भी, एग्रीकल्चर वालों को वेटनरी मेडिसिन भी बनता है, उस सेक्टर में भी हमारे लिए स्कोप है। पैकेजिंग मटेरियल होता है, जो एग्री प्रोडक्ट बनते हैं और एग्री प्रोड्यूस को फिर आप अबाउट में या विदेशों में ट्रांसपोर्ट करते हैं, उसके लिए भी पैकेजिंग जो मटेरियल होता है वो भी इस सेक्टर के अंतर्गत आता है। आउटपुट सेक्टर की बात करें हम तो आउटपुट में भी जो है ट्रांसपोर्टेशन है, सेलिंग है, आपका कई प्रकार के आउटपुट सेक्टर भी हमारे इंडिया में उपलब्ध है, जो एग्रीकल्चर स्टूडेंट के लिए संभावना, अपार संभावना रखा हुआ है। सर्विस सेक्टर, सर्विस सेक्टर की बात करें तो अभी जो फूड प्रोसेसिंग का सेक्टर बहुत ही अच्छा काम कर रहा है, जिसमें मुंबई से दिल्ली एक ट्रेन चलेगा, उसका बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, उसमें राजस्थान और गुजरात से जो कई प्रकार की फूड प्रोसेसिंग हुए हुए प्रोडक्ट वो वहाँ पे सप्लाई करेंगे। तो ऐसे नए नए कई प्रकार के प्रोजेक्ट है जो एग्रीकल्चर में सर्विस सेक्टर से जुड़े हुए हैं। कई कंपनियां सर्विस दे रही है, जैसे आपका सैटेलाइट के माध्यम से एग्रीकल्चर में आने वाले भविष्य में कौन से पेस्ट कीट आ रहे हैं, इसके लिए इक्विपमेंट तक कंपनियां बना के किसान भाइयों को उपलब्ध करवा रही। तो इस सेक्टर में भी एग्रीकल्चर स्टूडेंट का स्कोप बढ़ गया है। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस की बात करें, बैंकिंग की बात करें, तो बैंकिंग सेक्टर में भी जो एग्रीकल्चर ऑफिसर का पोस्ट होता है वो ICR के थ्रू भी कंडक्ट होता है, या कई बार ICR ने गाइडलाइन डाल रखी है कि भाई आप एग्रीकल्चर स्टूडेंट को ही एग्रीकल्चर ऑफिसर के रूप में रखें, क्योंकि बैंक लोन दे रही है पर पता नहीं कि ये फार्मर के यहाँ कौन सी लैंड है, कौन सी क्रॉप है, कितनी प्रकार की फसलें उगाई जा रही है, उसकी क्या आमदनी होगा, उसी का एनालिसिस करने के लिए एग्रीकल्चर एक्सपर्ट की वहां पे आवश्यकता होती है। तो इसलिए बैंकिंग सेक्टर में भी कहीं हर बैंक में एग्रीकल्चर ऑफिसर का पोस्ट होता है, बस ये है कि हमें अभी से तैयारी करके उसका बैंकिंग सेक्टर का एग्जाम फाइट करने के लिए हमें अपने आप को डेवलप करना पड़ेगा। हमारा एक एम होना चाहिए कि हमें किस सेक्टर में जाना है। एग्री इनपुट
में अभी जैसे और क्लासिफिकेशन कर सकते हैं हम कि जो कंज्यूमर होने वाली एनर्जी है, जैसे फर्टिलाइजर डाला आपने एक बार कंज्यूम हो गया, एग्रोकेमिकल जितने भी प्रकार के पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड होते हैं वो डाले आपने, हर्बिसाइड डाले, ये केटल फीड है, एनिमल फीड, पोल्ट्री फीड, ये मार्केट में कई कंपनियां आगे मैं सबके नाम बताऊंगा एक एक करके, तो वहां पे आपके लिए काफी स्कोप बना हुआ है। ड्यूरेबल जो होता है वो कंज्यूमर गुड्स जैसे आपने एग्रीकल्चर मशीनरी टूल्स की बात करें तो एग्रीकल्चर इक्विपमेंट जो आपके कल्टीवेटर हो गया, लेवलर हो गया, इरिगेशन वाले इक्विपमेंट हो गए, पंप सेट हो गया, मोटर्स हो गए, ट्रैक्टर है, थ्रेसिंग मशीनरी, इस प्रकार की कई प्रकार की मशीनरी हमारे एग्रीकल्चर में कार्यरत है और इनकी जो कंपनियां है मैन्युफैक्चर कंपनियां वहां पे एग्रीकल्चर एक्सपर्ट को ही लिया जाता है। वैसे आप सभी जानते हैं कि पिछले 2020 से लगा के अभी तक हम पूरा विश्व कोविड की वजह से परेशान है और अभी कोविड का प्रकोप कम नहीं हुआ है, कंट्रोल तो किया हुआ है, पर इस वजह से हमें एग्रीकल्चर का और महत्व बढ़ गया है क्योंकि सारे सेक्टर बंद हो चुके थे, एक मेडिकल और एग्रीकल्चर दो सेक्टर वर्क कर रहे थे और उसी वजह से आज हम सब आपके सामने मैं उपस्थित हूँ और वार्तालाप कर रहा हूँ। तो एग्रीकल्चर जो है वो उसका कहीं भी ऐसा आगे, हम पिछले 17 साल से इस सेक्टर में काम कर रहे हैं, एजुकेशन में 12th से लगा के मेरा एग्रीकल्चर ही रहा है, एमएससी एजी तक मैंने एंटोमोलॉजी से जबलपुर से जेएन की वजह से किया हूं मैं। उस समय बहुत कम ये सब जानकारी थी, बहुत कम स्टूडेंट को पता था कि एग्रीकल्चर सेक्टर में भी हम हमारा भविष्य करा सकते हैं। तो 15 मेजर एग्रोकेमिकल जोन है पूरे वर्ल्ड में और 46 प्रकार की जो है मृदा की जो सॉइल टाइप होता है वो है जो वर्ल्ड में 60 है। तो हमारे भारत में 46 प्रकार की जो है मृदा जो उपस्थित है, ये सब बात करें हम इन सब डाइवर्सिफाई, जैसे अलग अलग क्षेत्र में जाएंगे अलग अलग प्रकार की आपको सॉइल देखने को मिलेगी, वहां पे अलग अलग प्रकार की क्रॉप होगी। तो इस हिसाब से जो है हमारा जो भारत एग्रीकल्चर स्टूडेंट के लिए अपार संभावना रखता है और किसान का जो होता है इनोवेटिव एंड क्विक अडॉप्ट करने की हैबिट होती है। आप बिल्कुल कोई नया लेके आओ आपको किसान हथेली पे ले लेगा और बहुत ही जल्दी नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने की क्षमता हमारे किसान भाइयों में आ गई है। इसी वजह से हमें जो है स्कोप बढ़ गया है और इसके एग्जाम्पल है कि जैसे बीटी कॉटन सीड डेवलप हुआ था तो किसान भाइयों ने बहुत जल्दी इसको अडॉप्ट किया और आज वर्ल्ड वाइज ये बहुत बड़ा बिजनेस हो गया है बीटी कॉटन सेक्टर का, सीड बना के बीटी कॉटन सीड सप्लाई की जाती है। तो यहाँ पे मैं एक अब इंडिविजुअल जो सेक्टर है उनके बारे में थोड़ी थोड़ी सी मैं और डिटेल में बात करूंगा कि जैसे हम चाहते हैं कि हम कुछ एग्री इनपुट की कंपनियां जैसे सीड कंपनी है तो सीड कंपनी में जो मेजर कंपनियां हैं वो राशि सीड है, मॉन्सेंटो है, निजीविटू है, माइको है, नेशनल सीड कॉर्पोरेशन है, सिंजेंटा है, अडवांटा है, आपका पायोनियर है, गंगा कावेरी है, कई प्रकार की ऐसी सीड कंपनियां हैं जिसमें किसानों को सलाह देने के लिए उनको प्रॉपर गाइड करने के लिए सीड परचेसिंग के बाद में उस फसल के क्रॉप पैकेज प्रैक्टिस बताने के लिए, उसमें आने वाले इंसेक्ट पेस्ट डिसीज बताने के लिए, उनके कंट्रोल के लिए एग्रीकल्चर एक्सपर्ट की आवश्यकता हर कंपनी को होती है। तो आप सीड सेक्टर में जाना चाहें तो आप इन कंपनियों पर सर्च करके आप इनसे भी संपर्क करके हमारा करियर के लिए शुरुआत कर सकते हैं। आगे जो है एग्रोकेमिकल की बात करें तो एग्रोकेमिकल में भी इंसेक्टिसाइड है, आपका पेस्टिसाइड है, फंजीसाइड है, आपका बायो स्टिमुलेंट प्रोडक्ट की कई कंपनियां है जो मैन्युफैक्चर करती है। तो इसमें जो है आपका पेस्टिसाइड सेक्टर में जैसे
एफएमसी है, डाउ डुपोंड है, पीआई है, रैलीज इंडिया है, यूपीएल है, हमारा कई प्रकार की नेशनल और इंटरनेशनल कंपनियां हमारे भारत में इन्वेस्ट की हुई है और वो किसानों के हित के लिए आरएनडी सेक्टर से लगा के सेल्स एंड मार्केटिंग तक का काम कर रही है और उन सभी में एग्री एक्सपर्ट या एग्रीकल्चर स्टूडेंट की आवश्यकता उनको होती है, चाहे वो स्टार्टिंग एक फील्ड असिस्टेंट से किए, सेल्स मैनेजर, मैनेजर, रीजनल मैनेजर, जोनल मैनेजर, यहाँ तक कि नेशनल मैनेजर तक के जो लोग बैठे हैं अभी कई कंपनियों में काम कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं बीएससी एग्रीकल्चर या एमएससी एग्रीकल्चर के साथ साथ एमबीए किए हुए हैं। फर्टिलाइजर सेक्टर की बात करें तो फर्टिलाइजर सेक्टर भी ऐसा सेक्टर है जिसमें बहुत स्कोप है। कई प्रकार की कंपनियां जो जैसे चंबल है, जुवारी सीड है, आपका हिंदुस्तान फर्टिलाइजर कारपोरेशन है, नागार्जुना फर्टिलाइजर है, महाराष्ट्र फर्टिलाइजर है, मद्रास फर्टिलाइजर है, ये कंपनियां क्या कर रही है कि कहीं यूनिवर्सिटी में, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जहां पे एग्रीकल्चर स्टूडेंट का हब है, वहां पे जाके कैंपस तक लेना चालू कर दिया है, कैंपस करती है और एम्प्लॉय को अच्छे पैकेज पे लेके एम्प्लॉय को एजुकेशन के साथ साथ कई कंपनियां उसको आगे लर्निंग करके हमारे उनके काम को अंजाम देने के लिए वो एम्प्लॉय उनका रिक्रूटमेंट करती है। वाटर सलूबल में कई प्रकार की कंपनियां हैं जो रिच फील्ड है, महाफीड है, रेलीज है, आपका एरीज है, दीपक फर्टिलाइजर है, ये कंपनियां है। और इसके अलावा ऐसी कई एग्रीकल्चर में कई कंपनियां कार्यरत है जो जहां पे हमारे लिए स्कोप बना रहता है। पेस्टिसाइड का स्कोप इसलिए है कि आपने कहीं पढ़ा होगा या कहने में आते हैं कि भारत में तो बहुत पेस्टिसाइड यूज हो रहा है इसलिए कई प्रकार की बीमारियां हो रही है, ये अफवाहें। आप हम एग्रीकल्चर स्टूडेंट होके हम एग्रोकेमिकल इंडस्ट्री में भी अपनी बहुत अच्छी पहचान बना सकते हैं, क्योंकि भारत का जो है 10वां रैंक होता है वर्ल्ड में, जो 500 मिलियन टन कंजप्शन होता है और बहुत ही बड़ा जो है लार्ज स्केल में मैन्युफैक्चर है, जो साउथ अफ्रीका और यूएसए जैसे देशों से भी बहुत अच्छा है, यहाँ तक कि जापान के बाद में हमारा भारत आता है जो मैन्युफैक्चर में बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। इंडिया में मेजर जो है बात करें हम तो 0.6 बिलियन डॉलर का यूएसए डॉलर का मार्केट साइज है और ये जो 1.6% ग्लोबली होता है, पर अभी भी हमारे यहाँ जो क्षेत्र है जो कंजप्शन की बात करें हम तो बहुत ही कम कंजप्शन हो रहा है। कई विकसित देशों में तो जो है वो 3000 केजी पर हेक्टेयर के हिसाब से कंजप्शन है और हमारे यहाँ अभी 0.6 ग्राम तक ही है, तो कहाँ 3 टन और 0.6 केजी, बहुत बड़ा अभी स्कोप है यहाँ पे। सीड इंडस्ट्री की हम बात करें तो सीड इंडस्ट्री में भी जो है 9,000 करोड़ का टर्नओवर है हमारे, करंटली जो है 6 पोजीशन पे हम बैठे हुए हैं इंडिया की जो सीड इंडस्ट्रीज जो है, और आगे सीड में अपार संभावना है, चाहे स्टूडेंट खुद का सीड कंपनी डाले। जैसे सीड की बात करें तो सोयाबीन सीड है, आपका मक्का, ज्वार, बाजरा की सीड है, कहीं वेजिटेबल के सीड होते हैं, तो कई प्रकार के सीड कंपनी खुद एम्प्लॉय डाल के भी आगे बढ़ सकता है। इसके लिए जो प्रोसेस होती है गवर्नमेंट की सीड पॉलिसी होती है उसके अंतर्गत रजिस्ट्रेशन लेके पैकिंग करके हम मार्केट में किसानों के लिए सीड उपलब्ध करवाने का भी एक हम छोटा सा बिजनेस खोल सकते हैं फ्यूचर में, क्योंकि अभी भी जो हमारे 40-50% जो सीड है वो अनाज को ही उगाने के लिए या बोने के लिए इस्तेमाल किया जाता है हमारे किसान भाइयों।
क्योंकि अभी भी पूर्णतः से सभी लोग हाइब्रिड या किस्मों का इस्तेमाल नहीं करते हैं। अभी भी घर का जो अनाज होता है उसको ग्रेडिंग करके रखते हैं और उसको सीजन आने पे, समय आने पे उसी की बोनिंग करते हैं। तो इसलिए सीड सेक्टर में भी अपार संभावना है। इम्प्लाई खुद सीड कंपनी के रूप में भी कार्य कर सकता है और अपना एग्री बिजनेस में अपना जो है फ्यूचर को बना सकता है। एग्रीकल्चर इक्विपमेंट की हमने जो बात की थी, तो एग्रीकल्चर जो है पहले पशु आधारित था, बैल से ही हलनी जुताई की जाती थी, लकड़ी के इक्विपमेंट हुआ करते थे, पर आज का जो हीरा है वो बहुत अलग है। आज हर काम के लिए इक्विपमेंट मार्केट में उपलब्ध है। तो यहाँ पे एक मैं नए सेक्टर की बात करूंगा आप लोगों से कि सर्विस सेक्टर किसानों के लिए, यदि आपने 4 ट्रैक्टर खरीद लिए, थ्रेसिंग खरीद ली या हार्वेस्टर खरीद लिए और आप किसी तहसील प्लेस या मार्केट में बैठ गए, तो आप किसानों को ये इक्विपमेंट की सर्विस भी दे के आप अपना कैरियर बना सकते हैं। ये सर्विस सेक्टर बहुत बड़ा सेक्टर है। यहाँ पे आज जो एग्रीकल्चर में छोटा सा ट्रैक्टर से लेके आपका रोबोट के थ्रू तक स्प्रे होने लग गया एग्रीकल्चर में, और इंडिया में भी वो दिन दूर नहीं है जब रोबोट से किसान भाई हमारे खेतों में पेस्टिसाइड का स्प्रे किया करेंगे। तो इसलिए जो सर्विस सेक्टर है, जैसे किसी ने कोई सर्विस सेक्टर खोला और इक्विपमेंट या आपका जो सेवाएं किसानों को देना है, जैसे बोनी की समय आया तो सीड ड्रिल के थ्रू 5-10 ट्रैक्टर रख के, 5-10 सीड ड्रिल रख के किसान भाई गांव में पहले ही प्लानिंग करके उसको बोने के लिए पर घंटे का चार्ज करे, तो कहीं किसान भाई ऐसे हैं कि जो आपको इजी गोइंग चार्ज दे के उनके खेत की टाइम से बोनिंग करवा लेंगे वो। उसके बाद फर्टिलाइजर की बात आती है, इंसेक्टिसाइड स्प्रे की बात आती है, हार्वेस्टिंग की बात आती है, थ्रेसिंग की बात आती है, यहाँ तक कि प्राइवेट सेक्टर में एक सीड सोइंग से लगा के फसल के हार्वेस्टिंग तक काफी अलग अलग सेक्टर की अपार संभावना है। हम बहुत किस्मत वाले हैं जो हमारे माँ बाप ने एग्रीकल्चर के तरफ हमें रुख किया और हमने भी डिसीजन लिया कि एग्रीकल्चर में हम संभावनाएं देख रहे हैं। तो आज का जो जनरेशन है, आप यंग लोग हो, यदि आप लोग एग्रीकल्चर पे काम करना चालू करोगे टेक्निकल के साथ, डिजिटल मार्केटिंग के साथ, तो देखिए आज कहीं भी सोचा नहीं था कि एग्रीकल्चर में भी, गांव में भी किसान मोबाइल के थ्रू, जैसे हम पिज्जा बर्गर मोबाइल पे पंच करके ऑर्डर देके हमारे घर बुला लेते हैं, ऐसे आज का जो किसान है मोबाइल पे ऐप पे अपना पेस्टिसाइड का सिलेक्शन करता है, पंच करता है, पेमेंट करता है और वो विद इन 1 डे उसके घर वो दवाई उपलब्ध हो जाती है। तो प्यारे स्टूडेंट छात्रों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अब हमारे किसान भाई भी वो देहाती कृषक नहीं रहे हैं, वो भी आज डिजिटल मार्केटिंग में पार्टिसिपेशन कर रहे हैं और फायदा ले रहे हैं। इसलिए हमारे लिए एक डिजिटल मार्केटिंग का भी सेक्टर नया पिछले 2 साल से डेवलप हुआ है। जैसे आज हम डिजिटल माध्यम से रूबरू हो रहे हैं, इसी प्रकार से किसान भाइयों में भी डिजिटल कैंपेन करके, डिजिटल मार्केटिंग करके, डिजिटल आप अपना कोई भी उत्पाद या प्रोडक्ट सेलिंग कर सकते हैं। ये भी बहुत बड़ा सेक्टर है। आपको यदि कई कंपनियों में मार्केटिंग हेड बनना है तो आपको डिजिटल मार्केटिंग का भी कोर्स करना चाहिए, और मैं हमारे यूनिवर्सिटी से रिक्वेस्ट करूंगा कि डिजिटल मार्केटिंग का फ्यूचर आ रहा है, यदि कोई ऐसा कोर्स हो भी सकता है, मुझे पता नहीं है, यदि नहीं है तो हमें इस प्रकार का डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स भी हमें उपलब्ध हमारे स्टूडेंट के लिए करवाना चाहिए। वैसे तो एग्रीकल्चर एक ऐसा सब्जेक्ट है और एक ऐसा विषय है जिसपे हम बोलते रहे कभी आता नहीं आएगा। मुझे जो एक छोटा सा दिया गया था कि हमारे स्टूडेंट के लिए क्या स्कोप है, वो कहाँ अपना करियर बना सकते हैं, उस पर मेरे जो
थॉट थे, विचार थे, मैंने व्यक्तित्व किए। यदि आप में से किसी का कोई प्रश्न है, कोई क्वेश्चन है, तो वन बाय वन करके आप मेरे से, मैं कोशिश करूंगा उस क्वेश्चन का जवाब देने की। तो आपका स्वागत है, कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। सर सॉरी फॉर इंटरप्शन सर, वी हैव लेस देन वन मिनट, प्लीज रीजॉइन विद द सेम लिंक। ओके ओके मैम। ओके सुमित, किसी का कोई क्वेश्चन है जब तक मीटिंग एंड नहीं होती है तब तक? सुमित एक काम करते, एक बार रीजॉइन करवा लेते हैं। अगर किसी का कोई क्वेश्चन होता है तो प्लीज रीजॉइन।